मैं तो इस सुनसान सा दिन में रहता हूं कि सोचता हूं स्कूल की दीवार पे तुम्हारा नाम लिख क्या कि सोचता हूं स्कूल की दीवार पे तुम्हारा नाम लिख क्या सोचता हूं तुम्हें आज कुलिया प्रपोज कर दूं क्या कि सोचता हूं मैं आज कुलिया प्रपोज कर दूं क्या तुम ही तो मुझे कहती थी पागल प्रेमी मजनू कि तुम ही तो मुझे कहती थी पागल प्रेमी मजनू सोचता हूं आज अपना कबीर सिंह जैसा हाल कर लूं क्या कि सोचता हूं आज अपना कबीर सिंह जैसा हाल कर लूं क्या कि तेरी खातिर मैं दुनिया से डर जाऊंगा कि तेरी खातिर मैं दुनिया से डर जाऊंगा तेरा साथ ना मिला तो मैं मर जाऊंगा हम दोनों को जुदा कोई नहीं कर सकता दुनिया में तू मेरी प्रीति पर मित्र कभी से बन जाऊंगा कि तू मेरी प्रीति पर मित्र कभी से बन जाऊंगा कि तू अपना गुस्सा नोबार के उतारती हो कि तुम अपना गुस्सा नोबार के उतारती हो स्टेटस पे लिखकर गुस्सा क्यों दिखाती हो कि तुम स्टेटस पे लिखकर गुस्सा क्यों दिखाती हो लगता है आज सारी रात फिर बात नहीं हो पाएगा तुमसे मैं तुम्हें फोन करता हूँ तुम फोन नहीं उठाती हो कि मैं तुम्हें फोन करता हूँ तुम फोन नहीं उठाती हो कि कभी बुला तो कभी अनब्लॉक करती हो कि कभी बुला तो कभी अनब्लॉक करती हो साला क्लियर ही नहीं होता तुम मुझसे ना करके प्यार करती हो साला क्लियर ही नहीं होता तुमसे ना करके प्यार करती हो कि मेरा लास्ट सीन क्यों चेक करती हो तुम मेरा लास्ट सीन क्यों चेक करती हो तुम मेरे ऑनलाइन आने का इंतजार क्यों करती हो तुम जब इतनी मोहब्बत करती हो उसे तब क्यों नहीं मुझे मैसेज करती हो तुम कि सारा वक्त ऑनलाइन ऑफलाइन वेस्ट कर देती हो क्यों मेरे लास्ट से मुझे करती हो कि लव यू बाबू स्टेटस पे लिखती हो कि लव यू बाबू स्टेटस पे लिखती हो यही दो शब्द उससे कौन भी नहीं कर सकती हो इस रोज रोज के झगड़े से इश्क में मुझे आजाद कर दो इससे अच्छा होगा तुम्हारे लिए इससे अच्छा होगा तुम्हारे दिल ब्लॉक कर दो असर आजकल बहन पहलू साथ कितना गलत हो रहा है तब मैं उसमें कुछ लिखा हुआ था कि मैंने गोड़ा में कभी शब्द का थोड़ा सा बात करके सुनाया था कि ये पर मेरी सरकार हो गया है ना दर्द किसी का सुनता है एक दलित समाज की बेटी का शव उसके माँ बाप को नहीं देता है एक तरफ भाई का दर्द एक तरफ माँ बाप का दर्द कि दलित समाज की बेटी का शव माँ बाप को नहीं देता है तो अब चुप नहीं रहेंगे सुन लो तो अब चुप नहीं रहेंगे सुन लो हमने अपनी बहन को खोया है तो अब चुप नहीं रहेंगे सुन लो हमने अपनी बहन को खोया है अंतिम दर्शन न कर पाया बेटी का पूरा घर बैठ कर रोया है ये पहली सरकार हो गया है कि तुम कुर्सी छोड़ो हे सरकार तुम इसके नहीं लायक हो तुम भी दोषी की तरह एकदम से खलनायक हो तुम हिंदुवादी बंदे हो एक बार भी नहीं सोचा था अंतिम दर्शन बेटी को उसके घर वालों को नहीं सौंपा था आंसू आंसू माँ बाप घर बैठ कर ही रोते रहते हैं अंतिम दर्शन ना कर पाया पूरा